हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, मैं ठीक हूँ। होप आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। अभी ना मैं छन्नी जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे बैंक में थोड़ा काम था तो अभी मैं छन्नी के लिए निकल रही हूँ। और आदू भी आज घर में है। एक्चुअली मन्नत का ना कोई डिबेट कंपटीशन था तो वो डिबेट के लिए गई है। और फिर मैंने सोचा स्कूल में तंग करेगी, बैठेगी नहीं उसके बगैर, सो इसलिए ना इसको आज स्कूल नहीं भेजा है। और आज ये मेरे साथ छन्नी जा रही है तो फिर रास्ते में देखते हैं। अगर मुझे लगा ठीक तो मैं वहाँ का व्यू दूंगी, और अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और अभी हाँ, ऊपर से ना अपर पहन लेते हैं और क्योंकि सर्दी हो गई है भाई, अपना भी तो ख्याल रखना है। चलो फिर मिलते हैं बाद में। यहाँ पे हम जा रहे थे बनतलाव में। एक्चुअली ना जब हम शिफ्ट हुए ना तो आदू के शूज़ वगैरह ना पता नहीं उन्होंने फेंक दिए, क्या किया, एक शूज़ है और एक एक पैर नहीं है। तो फिर इसको ना अभी सर्दी भी थी तो इसके लिए शूज़ वगैरह लेने जा रहे थे। तो सॉरी, मेरा ना नाक बंद है, एक्चुअली कोल्ड हुआ है और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी आपको। तो हम यहाँ पे ई रिक्शा पे बैठे थे और हमने बोला कि चलो हम भी थोड़ा सा ई रिक्शा का ना थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। बट मेरे को ना गंदा एक्सपीरियंस लगा, बड़ा कुछ अजीब जैसा लग रहा था ई रिक्शा पे बैठ करके। ऐसा लग रहा था अभी गिर जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे ना आदू के शूज़ ले रहे थे और ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे ना ये नहीं लेने, मुझे लाइट वाले लेने हैं, और लाइट वाले इनके पास तो थे ही नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और मैं भी इस पर बहुत गुस्सा कर रही थी यार। वो भी तंग आ गए थे और ये बताए जा रहे थे इतने सारे, तो उन्होंने शूज़ बता दिए और बोलती नहीं मुझे और कोई लेना ही नहीं, मुझे लाइट वाला लेना है। और हम ना सारे बोल रहे थे छोटे बच्चे लेते हैं, हमने इसको झूठ बोला कि अंकल ना 2-3 दिन तक ला देंगे, हम आएंगे वापस। और फिर बड़े मुश्किल से इसको हमने शूज़ दिलवाए। पता है ये इतना तंग करती है ना, कसम से। बड़ी बेटी मेरी को जो मर्ज़ी दिला दो, वो कभी भी नहीं बोलती, ना वो मांगती है ना ही वो कभी तंग ही करती है। लेकिन छोटी बेटी वो मेरी जब तक इसको ना इसकी चॉइस की कोई चीज़ नहीं ना तो उधर ही लेट जाती है और रोना पीटना स्टार्ट कर देती है। तो बस वही बड़ी मुश्किल से वो पहना रहे थे और वो बोल रही थी नहीं मुझे वो, फिर बोलती मुझे चप्पल लेनी है उसमें लाइट है। यार चप्पलें तो बहुत पड़ी हैं और सर्दी में तो शूज़ चाहिए ना। बोलती ये भी नहीं लेना वो भी नहीं, इसने पता है उतार करके पहन दिया उधर दुकान के ऊपर। बड़ी मुश्किल से हमने फिर शूज़ लाया इसके लिए। तो चलो फिर आगे करते हैं इंजॉय हम अपनी वीडियो में। बने रहना मेरे साथ में मेरी वीडियो में। क्या हो रही है आदू? ठीक है ठीक है। पे हम गए थे, हमें यहाँ पे ना कुछ भी नहीं मिल रहा था और हम लोग गए थे यहाँ बन तालाब तक। यहाँ इनका देखो वो भी वीडियो बना रहे थे उनके पास थे। और हम लोग इसको भी नहीं कहाँ से जाना है, ये वो वाली स्वर्ण विहार तो नहीं है, स्वर्ण विहार नीचे है ना, ये वो तो है नहीं। पता आदू ने ना आज हमें इतना तंग किया जिसका हिसाब भी नहीं। और कैरम बोर्ड एक ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ था और वापस ना एक और हमें लाना पड़ा। मैंने सोचा थोड़ा सा, हम साइड पे गए थे ना साइड वाली मार्केट में, तो हमने सोचा सिटी के अंदर भी आपको थोड़ी गम वाली फीलिंग्स जो है वो ला देते हैं। हमने सोचा हम भी फीलिंग पहले ले लेते हैं, बाद में आपको भी वही फीलिंग दे देते हैं। तो गाँव में वही गांव में सॉरी गांव में सिटी वाली यहाँ पे यार कुछ नहीं, कुछ भी हो तो सिटी जाना पड़ता है। सिटी वाला गांव नहीं, गांव वाला देखो ना, ये लगता है हम सिटी में है कहीं। बे बोल
ऐसे है ना इधर का वो चल रहा है कि यहाँ पे फोन जो है ना वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं बाइक शाइक वाले। एक बाइक पीछे धीरे हुई, मुझे लगा कि फोन तो नहीं लेने लगे हैं, तो उसी के लिए मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे मेरा भाई, मम्मी, भाभी और शिवाय भी आए हुए थे। हाँ। तो एक्चुअली ना मेरे को इन्होंने ऐसा दिमाग ख़राब किया ना, और मम्मा की भी तबीयत थोड़ी ख़राब भी थी, और इसीलिए ना मैं भूल गई कि मेरे को ना मम्मी औरों की भी वीडियो बनानी है। बाद में मेरे को मम्मी ने याद बनाया कि तुमने वीडियो तो बनाई नहीं, हमारी भी बना लेती, तो मुझे याद ही भूल गया था। तो हाँ, शिवाय की बनाई थी क्योंकि हम उस टाइम पर बाहर थे ना, बाद में मुझे बातों में ध्यान ही रहा। तो हो फ्रेंड ना, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न।